पाणी जी का रुख करूंगी। चक्रपाणी जी नहीं मनोज काका, ये सिर्फ आपकी डिबेट नहीं है, आपकी बेचैनी मुझे भी समझ में आ रही है, शांत हो जाइए। चक्रपाणी जी बताइए, ये विदेशी आक्रांता या भारतीयता की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या फिर ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है, आप क्या कहेंगे चक्रपाणी जी? नहीं शोभना जी, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ। एक विदेशी आक्रांता जो देश में आते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य होता है कि सोने की चिड़िया को किस प्रकार से लूटा जाए। 1193 में किस प्रकार से मोहम्मद गोरी आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इसी काशी में पूरी मंदिरों को तोड़ता है, 1600 ऊँटों पर सोना लाद कर लेके जाता है, क्योंकि इनके आने से पहले देश सोने की चिड़िया था, लेकिन जब से आए हमारे इस सोने की चिड़िया को लूट लिए, बर्बाद करिए, और यही नहीं किया बल्कि इन्होंने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया और इसी कारण देश की आज दुर्व्यवस्था हुई। आप सुन लो, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो भाई, बीच में क्यों बोलते हो, आपको नाला दिखाई देता है, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना मनोज जी, मनोज का मनोज जी मेरे पास, मनोज जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, आपको भी मैंने समय दिया ना, आप डिबेट की हाथ ना करो भाई, आपको भी मैंने समय दिया ना, तसल्ली से आपकी बात सुनी, इस तरह से नहीं होती चर्चा, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता के साथ निवेदन है, चर्चा करने दीजिए और सुनिए। मनोज जी थोड़ी सी बात सुन लिया करिए, मनोज जी मेरी बात सुनो, मनोज जी मेरी बात सुनो, चक्रपाणी जी को सुन लेते हैं, सुन लो भाई, शोभना जी इनको चुप कराइए ना, शांत हो जाइए, आप देखो मनोज जी को, मनोज जी को नाला काशी जी में जाकर के देख लिया, लेकिन हमारे शिव जी पे जो अभी निकले हैं उन पे हम लोग वजू कर रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे, उसमें एक बार भी निंदा नहीं किया, कितनी दुर्भाग्य की है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी मुस्लिम तुष्टिकरण करोगे, करे कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिन विदेशी आक्रांताओं के साथ आप खड़े हो रहे हैं, तेरी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है, चुल्लू चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, मैं दो बातें यहाँ पे साफ करना चाहती हूँ, एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चक्रपाणी जी, एक तो मैं आपको ये, अरे शांत हो जाइए, दिखाने का काम करते हैं उसके दिन अच्छे नहीं होंगे, अच्छा सुन लीजिए, मुसीबत आने वाली है, अच्छा चक्रपाणी जी एक छोटा सा, मनोज काका प्लीज सवाल लेने दीजिए, मनोज काका प्लीज शांत हो जाइए, चक्रपाणी जी पहले तो मैं दो चीजें यहाँ पे साफ करना चाहती हूँ, वजू खाने को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाथ मुंह धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है, प्रभु जैसे हमारे यहाँ गंगा जल से हम लोग अपने को शुद्ध करते हैं ना पूजा पाठ से पहले, वैसे ही वजू किया जाता है, हाथ मुंह उसके अंदर धो के नहीं डाले जाते, वहां से सिर्फ जल लिया जाता है और उसके बाद वजू किया जाता है, तस्लीम साहब मेरे साथ मौजूद है, वो आपको बता भी देंगे। दूसरी बात, मेरा सवाल आपसे यह है चक्रपाणी जी, जो बात 500 साल पहले हुआ, अन्याय हुआ, न्याय हुआ, जो भी हुआ, अगर उसको लेकर आज हमारा सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, तो क्या हम दोनों धर्मों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम सौहार्द को खत्म ना करें और विवाद को ढंग से सुलझाएं, इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें? शोभना जी देश के, शोभना जी आप देश, हमारे तस्लीम रहमानी जी ने बिल्कुल पहले ही सही कहा और बीजेपी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी सही कहा, ये देश, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं है, ये लड़ाई देश की भारतीय सांस्कृतिक बनाम विदेशी आक्रांताओं की है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।